इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त स्पेशल वीडियो भावलपुर प्रोडक्शन की तरफ से। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, हियर वी गो। इरफान इधर आए जरा, वो देखे अपने बदतमीज हमसाए के काम, ना पर्दे की आवाज लगाई ना कुछ और, बस ठहर गया झंडा लगाने के लिए। ये कोई तरीका है भला? इसकी इतनी हिम्मत? तुम जरा साइड पे हो, मैं देखता हूँ इसे। ओए बेगैरत इंसान, वो इंसान में कोई शर्म हया होती है लेकिन तुझ में जरा भी नहीं है। सामने मेरी बीवी ठहरी है और तू छत पे चढ़ के झंडा लगा रहा है। कोई पर्दादारी नहीं है हमारे घर में क्या? वो भाग कर है बेगैरत इंसान, तू बाहर है, मैं तुझे देखता हूँ। इरफान रुके, झगड़ा मत करना, बस आराम से समझा देना कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। तुम चुप करके बैठो, अब मामला गैरत का है, इस बेगैरत की तो ऐसी की तैसी। मामला गैरत का हुआ। बाहर निकल है बेगैरत, निकल बाहर। इरफान भाई मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने पर्दे के लिए आवाज़ नहीं दी, मगर मेरा यकीन करें मैंने आपके घर की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। आप इतना गुस्सा ना करें। वे बकवास बंद कर अपनी, अगर तेरी जगह पर मैं होता और तेरे घर में बेपर्दगी होती तो तुझे गुस्सा नहीं आता क्या? तेरी तो भाई जान क्या हो गया, खुद को संभालें। आप तो मरने मारने पे उतर आए हैं, मैं तो सिर्फ बस जश्न आज़ादी के लिए झंडा लगा रहा था। इरफान छोड़े, दफा करें, झगड़ा मत करें, आपकी तबीयत पहले खराब है, आपको मेरी कसम। तुम जाओ अंदर, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, सबक सिखा के रहूंगा। और ये किस चीज की आजादी मना रहे हो तुम? करप्शन, बेरोजगारी और गुर्बत के अलावा है क्या इस मुल्क में? ये देखें भाई, मेरे हाथ जुड़े हैं, माफ कर दें, मगर हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें तो ना करें। अगर हम अपने मुल्क की इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया वाले क्या करेंगे? बंद कर अपना ये लेक्चर, बड़े देखे तेरे जैसे मुहिब्बे वतन। इसकी तो ऐसी की तैसी, अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ। अरे भाई पीछे ही पड़ गया भाई ये तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाईजान, खैर तो है? हुक्म करे, कैसे याद कर लिया मुझे? और नहीं भाई, नहीं खैर नहीं है, पहले तू ये बता तू है कहाँ, मुझे तुझसे अभी मिलना है। भाईजान मैं तो फरीद पार्क में ड्यूटी कर रहा हूँ, बाकी आप बताएं सब खैर तो है? किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? और वो जो मेरा हमसाया है ना असगर, उसको सबक सिखाना है मैंने, तुझे आके सारी तफसील बताता हूँ। जी ठीक है, आप आ जाएं। क्या हो गया आपको, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? समझदार बने जरा, और वैसे भी जितनी आपने उसकी बेइज्जती की है ना, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा वो। इन जैसे लोगों को ऐसी प्यार की जुबान समझ नहीं आती, तुम बस देखती जाओ मैं करता क्या हूँ इसके साथ, पर्चा करवाने जा रहा हूँ। अरे यार माफी भी मांग ली इसने तो, पर्चा भी करवाई जान। आप क्यों बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं, छोटी सी बात पे पर्चा करवाना चाहते हैं, कुछ तो अकल करें यार। ये छोटी सी बात नहीं है, इज्जत और गैरत का मामला है, मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा, तू बता मेरा साथ दे रहा है कि नहीं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका साथ कैसे नहीं दूंगा? लेकिन भैया जरा सा सोचें, अगर कल को गवाही देनी पड़ती है तो क्या आप भाभी को थाने और कचहरी लेके घूमते रहेंगे? हाँ बात तो तेरी ठीक है, गुस्से में मैंने ये तो सोचा भी नहीं, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। गुस्सा छोड़ें और अब अकल से काम लें, असगर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बेगैरत नहीं है वो, मुझे लगता है कि वो जश्न आज़ादी की खुशी में लापरवाही कर बैठा होगा, वैसे वो बंदा ऐसा नहीं है। हाँ बात तो तेरी ठीक है छोटे, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था लेकिन मैं खुद ही ज़्यादा जज्बाती हो गया था। भाईजान हमें अपने मोहल्लेदारों से अच्छा सलूक रखना चाहिए, और ये जश्न आज़ादी मनाने का मकसद भी यही है कि हम एक कौम बन के रहें, अब बेहतरी इसी में ही है कि जाके अपने हमसाये से सुलह कर लें। मुझे ऐसे ही करना चाहिए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ भाई अगर भाई वरना पीछे पड़ जाते हैं यार, ऐसे भी होता है क्या, मतलब ऐसे लोग होते हैं। असगर एक मिनट बात सुनो। देखें इरफान भाई मैं अपनी गलती मानता हूँ और आपसे माजरत करता हूँ, आपकी बीवी मेरी बहनों जैसी है, और भला कोई भाई भी अपनी बहन को बुरी नज़र से देखता है? मैं अब तुमसे झगड़ा करने नहीं आया, और वैसे भी तुमने मेरी बीवी को अपनी बहन मानकर सारी बात ख़त्म कर दी है, बल्कि मैं तो तुमसे माजरत करता हूँ, पता नहीं गुस्से में मैंने क्या क्या बोल दिया तुम्हें। इरफान भाई यूँ हाथ जोड़कर शर्मिंदा तो ना करें, जो हुआ उसे भूल जाएं। मेरी नज़र में आज से तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है, ओ गले लग जाओ, चलो मिलके झंडा लगाते हैं। मैसेज भाई अच्छा वीडियो है।
इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। इसके अंदर मैसेज तो बहुत बढ़िया था, अच्छा वीडियो बनाया है 14th अगस्त से रिलेटेड, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होती हैं यार, ज़िद्दीपन। मैं तो सोच रहा था भाई वो मारेगा, उसको जेल डलवाएगा, इतनी भी बड़ी क्या बात कर दी। वैसे ये पर्दे वाला इशू शायद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता होगा, मैंने पहली बार इसमें वीडियो में देखा है। नहीं वैसे पर्दा तो बहुत देखा है, लेकिन पाकिस्तान में शायद ऐसे सीन होते होंगे कि तुम आवाज़ देनी पड़ती होगी, अगर आप छत पर जा रहे हो तो पड़ोसी जो को बताना पड़ता होगा कि मैं छत पर जा रहा हूँ, जो भी लेडीज़ हैं वो पर्दा कर लें, अगर ऐसा कुछ सीन बनता है तो। जैसे गांव में छतें खुली हुई होती हैं, आंगन खुले हुए होते हैं, तो उस तरीके से सो ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। इंडिया में मैंने देखा नहीं है यहाँ पर कोई आवाज़ लगाता हो या कोई ऐसा कल्चर हो कि बताकर चढ़े ऊपर छत पर जा रहा है तो। एंड करते हैं इस वीडियो को, बाय।